40-50 लोग सीधा सेल्स पे है। अज्ञच श्रद्धानाश्च संचय आत्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परा ना सुखम संचयात्मना। कृष्ण का कीर्तन गीता में अज्ञ अश्रद्धा, अज्ञ मतलब ज्ञान की कमी, अश्रद्धा मतलब फेथ कन्विक्शन की कमी, जिसके साथ में ये दो चीजें हैं, जिसको ज्ञान की कमी प्रोडक्ट के बारे में, जिसको फेथ कन्विक्शन की कमी अपने प्रोडक्ट के बारे में, संचय आत्मा विनश्यति, ऐसा आदमी सेल्स कभी नहीं कर सकता। सेल्स की शुरुआत ऐसी होने वाली है, प्रोडक्ट का नॉलेज प्लस प्रोडक्ट का कन्विक्शन, आपके प्रोडक्ट पे विश्वास और आपके प्रोडक्ट का पूरा ज्ञान, तभी आप सेल्स कर सकते हैं। ये मेरी पहली स्ट्रेटजी, ना सुखम संशयात्मना। अगर आपके पास में प्रोडक्ट का ऑर्गेनाइजेशन पे, लीडरशिप पे, आपके बॉस पे, आपके खुद के ऊपर अगर विश्वास ही नहीं है तो आपका विनाश होना निश्चित है। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है समझना है आपको, क्योंकि सेल्स क्या है, ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म है, ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन है। अगर आपको खुद का विश्वास नहीं, सेल्स नहीं हो सकती। डेवलप द राइट माइंडसेट, माइंडसेट ऑफ रेजिलियंस, ऐसा माइंडसेट। 90% सेल्स खाली कन्विक्शन और विश्वास से हो जाती है, कम्युनिकेशन केवल 10% करना पड़ता है। एक बात याद रखिए, सेल्स ना होने के मुख्य 5 कारण है। जरूरत नहीं है, जल्दी नहीं है, इच्छा नहीं है, विश्वास नहीं है या पैसा नहीं है। क्या मतलब हुआ? नो नीड, नो हरी, नो डिजायर, नो ट्रस्ट, नो मनी। याद रखिए, कस्टमर पैसा अपने आप अरेंज कर लेगा, पैसा अरेंज करना मुश्किल नहीं है, उसको पहले जरूरत, जल्दी, इच्छा, उसको विश्वास तभी आएगा जब आपके पास ये दो चीजें होंगी, नॉलेज और कन्विक्शन। एक बात याद रखिएगा, घर की उलझनें आपकी कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं। ये इवेंट गया तो गया, क्योंकि इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। सारे काम बंद करके बैठ जाइए, सेल्स की स्ट्रैटेजीज के साथ शुरू करने वाले हैं। और आज की मेरी स्ट्रैटेजी है अगली, नेल द वैल्यू प्रपोजिशन। नेल वैल्यू प्रपोजिशन मतलब क्या? क्वांटिफाई करो सामने वाले की वैल्यू को, वो आपका माल खरीद लेगा। वैल्यू प्रपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू थिंग्स, एक है रेलेवेंस और एक है क्वांटिफाइबल वैल्यू। मतलब क्या है? सामने वाले के लिए रेलेवेंट माल बेचो। आज भी जो फेसबुक एड दिखाता है ना, वो रेलेवेंट होते हैं। फेसबुक किसी की भी एड दिखाता है, मुझको ट्रेनिंग इंडस्ट्री की दिखाता है, कोई ये सेमिनार कर रहा है, कोई वो सेमिनार कर रहा है, फेसबुक मुझे उसी तरह की एड दिखाता है। फेसबुक जानता है मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मैं क्या देखना चाहता हूं। फेसबुक मेरे को बिग बॉस नहीं दिखाता है, सावधान इंडिया नहीं दिखाता है, आलतू फालतू आइटम नहीं दिखाता है, टिकटॉक तो मुझको कभी भी नहीं दिखाता है। रेलेवेंस इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद सामने वाले के लिए वैल्यू को क्वांटिफाई कर दो। इसको अपॉर्चुनिटी क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोज अप्रोच। क्या मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? सामने वाले को बता दो, भैया तूने ये नहीं खरीदा कि इसकी कॉस्ट ऑफ बाइंग प्रोडक्ट उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कॉस्ट ऑफ लूजिंग प्रोडक्ट होगा। अगर तूने नहीं खरीदा तो ये ज्यादा महंगा पड़ेगा, ये खरीदने पे ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या करने वाला हूं, मैं जैसे मान लो अगर मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है, मैं HDFC को सॉफ्टवेयर बेच रहा हूं, तो उसको क्या बोलूंगा? भाई साहब मेरा सॉफ्टवेयर हिंदी में है, तो आप हिंदी की एक्स्ट्रा मार्केट कवर कर लोगे। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आपकी मैन पावर की कॉस्ट कम कर दूंगा, मैं पूरा टेक्नोलॉजी पर काम होएगा। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि मैं आपका टाइम बचा लूंगा, आप ज्यादा काम कर सकोगे, टर्न अराउंड टाइम बढ़ जाएगा। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप ज्यादा कस्टमर को हैंडल कर पाओगे। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप गांव गांव तक जा सकते हो, आप पंजाब नेशनल बैंक और SBI का कस्टमर HDFC को मिल जाएगा। मैं सामने वाले को लेगा, भाई इसका सॉफ्टवेयर तो खाली 1 करोड़ का है, लेकिन मुझे धंधा 25 करोड़ रुपए का फालतू ला के दे रहा है। इसको बोलते हैं TCO, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लाइंट का जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो बाद में कम हो जाता है। आप कितना बेनिफिट दे रहे हैं कस्टमर को, मेरी बात थोड़ा इसको आसान करता हूं। आपने सामने वाले का कितना खर्चा घटाया, आपने उसे कितने रुपए का लाभ दिलाया, आपने उसे कितने रुपए के नए कस्टमर दिला दिए, आपने उसे कितने रुपए की ब्रांडिंग इंप्रूव कर दी, आपने उसे कितने रुपए का एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन बढ़ा दिया, आपने उसे कितने रुपए की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, उसको कितने रुपए का नया कस्टमर ला के दिया, उसका कितने रुपए का बिजनेस स्केल कर दिया, उसका कितना मार्केट शेयर बढ़ा कर दिया। सेलिंग का मतलब ही यही है कि आप सामने वाले को वैल्यू क्रिएट करके दोगे। जितना वैल्यू क्रिएट करोगे उतना फायदा होगा। अगली स्ट्रेटजी लीड स्कोरिंग। लीड स्कोरिंग से आपको यह पता चलता है कि ये जो लीड है, ये कस्टमर है, ये काम का है भी कि नहीं है। इसको थर्मामीटर क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं। एक थर्मामीटर लगा के चेक करो कि ये कस्टमर, ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन वाला कस्टमर है तो मेरे काम का नहीं है। आप ऑन स्केल 1 to 10 हर कस्टमर को नंबर देना चाहिए, रेटिंग देना चाहिए, जिससे पता चलता है हॉट, वार्म या कोल्ड। हर एक लीड को एक स्कोर देना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी में समय लगाना ही नहीं आपको। तो कस्टमर को रैंकिंग दे दो, ये सारे हॉट रैंकिंग वाले कस्टमर है, ये सारे वार्म रैंकिंग वाले, इनके साथ ये बात करना, ये कोल्ड वाले इनको हटा दो, इनको बाहर कर दो। इससे प्रायोरिटाइज कर सकते हो आप अपने सारे के सारे प्रॉस्पेक्ट को। और यहां पे ये पता चल जाता है कि मैं किसके साथ ज्यादा मेहनत करूं। इसको बोलते हैं SQL, सेल्स क्वालिफाइड लीड। ये वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है जिसके साथ आप ज्यादा समय लगाएंगे। इसको आप अपने CRM पे या इसी के साथ मैं मूव कर रहा हूं मेरी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे, जिसको बोलते हैं AHT, एवरेज हैंडलिंग टाइम। ये एवरेज हैंडलिंग टाइम का मतलब है
एक कस्टमर पे कितना समय लगाना चाहिए, एवरेज निकाल लो उसका। एवरेज कैसे निकालते हो? ऐसे समझो कि टोटल टॉक टाइम अपॉन टोटल नंबर ऑफ मीटिंग्स। भाई टोटल टॉक टाइम यानी कि आपने 10 घंटे लोगों से साथ लगाए और नंबर ऑफ मीटिंग कितनी करी, 10 मीटिंग करी, यानी कि एवरेज हैंडलिंग टाइम AHT आपका 1 घंटे का आ गया। इसका एक बेंचमार्किंग कर लो, क्या एक कस्टमर पे 1 घंटा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने बेंचमार्किंग करी कि एक कस्टमर पे ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट लगाने चाहिए, अगर आपकी छोटी छोटी कॉल्स पे फोन होती है तो बात होती है, तो हो सकता है कि एक कस्टमर पे 4 मिनट या 5 मिनट का एवरेज टाइम आना चाहिए। कुछ कस्टमर 10 मिनट लेंगे, कुछ 0 लेंगे, लेकिन एवरेज का स्टैंडर्ड बन जाना चाहिए। इससे क्या होगा, जितना ज्यादा आप ऑप्टिमाइज करोगे, यानी कि बेकार कस्टमर के साथ समय मत लगाओ, कराओ चाय पिए, आपको पता उसने कुछ खरीदना ही नहीं है, अरे बैठिए तो ऐसा बिठा रहा है आपको, आपको पता है उसने कुछ नहीं खरीदना, अरे तनिक बैठिए बात तो करे, थोड़ा बतियाइए ये योगी सरकार कैसन काम कर रही है, आपको समय बेकार हो रहा है इसमें। अगर एवरेज हैंडलिंग टाइम कम कर लो तो आप ज्यादा लोगों से मिल सकते हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे अपनी क्वालिटी को, अच्छे कस्टमर एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ सकते हो। आप ये अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दीजिए, अच्छी सी ट्रेनिंग दीजिए कि कितनी बात करनी ठीक रहेगी। आप जबरदस्ती फटाफट फटाफट बात ना करें, मैं नहीं बोल रहा कि फटाफट बात खत्म करें, पर थोड़ा ट्रेनिंग करने से आप उनको लो AHT लो एवरेज हैंडलिंग टाइप का गाइडेंस दे सकते हैं। आप उनकी मीटिंग्स को, उनकी कॉल्स को रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं, उनको सारी इंफॉर्मेशन अगर पहले से तैयारी करके दे दें। देखो जितनी ज्यादा फालतू बात करेंगे, चांसेस आप उतने कम लोगों से बात कर पाएंगे, उतना ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए रिक्रूट करिए ऐसे लोगों को जो इफेक्टिव बात कर सकें, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करिए, उनके मार्केटिंग मटेरियल को पहले ही उनको दे दीजिए, सारी इंफॉर्मेशन पहले ही दे दीजिए ताकि वो सेव कर सकें टाइम को। ऐसा नहीं कि वो क्लाइंट के पास बैठने के बाद ढूंढ रहे हैं भाई ईमेल कहां मिलेगा, भाई प्रपोजल कहां मिलेगा, भाई ब्रोशर कहां मिलेगा, सामान ढूंढ रहे हैं। आप सब चीजें पहले ही रेडी रखोगे, देखो आप यू डोंट गेट अ सेकंड चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन। तो सारे FAQ जितने भी तरह के क्वेश्चन कस्टमर पूछता है अगर उसकी तैयारी पहले से ही कर ले तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगला है एक्शन रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। ये क्या है, इससे कैसे आप बढ़ाते हो? ज्यादातर लोग सारी एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च कर देते हैं, कंपनी जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो अवेयरनेस पे पैसा खर्च कर देते हैं, अपील करने पे पैसा खर्च कर देते हैं। पर ये चार स्टेज समझो, अवेयर, अपील, आस्क और एक्ट। आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, लोग अवेयर तो हो रहे हैं लेकिन एक्ट का मतलब आपका माल नहीं खरीद रहे। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, या तो अपनी टीम की सेल्स की ट्रेनिंग दो, लोग जानते हैं, आते हैं, पूछते हैं लेकिन खरीदते नहीं, तो क्यों नहीं खरीदते, आपकी टीम की ट्रेनिंग अच्छी नहीं है। या फिर उनको कंटेंट रीमार्केटिंग करो, उनको व्हाट्सएप पे किसी प्रकार से इंफोग्राफिक से कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट भेजो, तब वो ज्यादा खरीद सकते हैं। अगली स्ट्रेटेजी क्या, बैंट सेल्स टेक्निक। बैंट का मतलब है बजट अथॉरिटी नीड्स और टाइमलाइन। बैंट का मेन मकसद क्या है, ये पता लगाना कि कस्टमर काम का है भी कि नहीं है। कई बार आप लोगों से मिलते हो तो उनकी चार चीजें चेक करो, जब भी कोई माल बेचना है चार चीजें चेक करो, उसके बाद बजट है कि नहीं है, ये डिसीजन ले सकता है कि नहीं ले सकता, इसके बाद अथॉरिटी है कि नहीं है, तीसरी चीज इसको जरूरत भी है कि नहीं है, हो सकता है इसके बाद बजट हो अथॉरिटी लेकिन जरूरत ही ना हो, और चौथी चीज अगर ये खरीदेगा तो कब खरीदेगा ये भी पता लगाओ उससे। ज्यादातर लोगों से क्वेश्चन करो कि आप ये सेल्स का डिसीजन कब तक लेना चाहते हैं, आप ये फ्लैट अपार्टमेंट कब तक खरीदना चाहते हैं, आप हमारा सॉफ्टवेयर कब तक लगाना चाहते हैं। जब आप ये चार चीजें पता लगा लोगे, अगर उसका बजट भी नहीं है, उसके पास अथॉरिटी भी नहीं है, उसको उतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है और खरीदेगा भी आज से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, ऐसे कस्टमर पे समय मत लगाओ। बैंट एक टेक्निक है जिससे समझ में आ जाता है आपको, इससे आपको सेल्स क्वालिफाइड लीड पर ही समय लगाएंगे, इससे आपकी सेल्स की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, आप उनके कॉमन पेन पॉइंट्स पे आप काम कर सकते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के कस्टमर पे काम करें, हर बार नए प्रकार के कस्टमर के पीछे मत भागे, नीश मार्केट के पीछे भागे, क्योंकि आपको मालूम है इनका बैंट ठीक है, यानी कि इसके बाद बजट अथॉरिटी भी है, नीड भी है, टाइमलाइन भी है, एक ही प्रकार के कस्टमर को फाइनलाइज करो। मार्ग ERP ने यही किया, FMCG इंडस्ट्री के अंदर पूरी तरह घुस गए, सारे रिटेलर को माल बेचना शुरू कर दिया क्योंकि उनका बैंट है। फार्मा के अंदर घुस गए, सारे रिटेलर को माल बेचना शुरू कर दिया क्योंकि उनका बैंट है। अगला है कम्युनिटी पार्टनरशिप। कम्युनिटी पार्टनरशिप जबरदस्त स्ट्रेटजी है, कम्युनिटी बहुत पावरफुल चीज है। बनिया समाज, जैन समाज, जाति, धर्म, डॉक्टर, टीचर, बिजनेसमैन, प्रोफेशन, ये सब कम्युनिटीज है। अगर कम्युनिटी आपके साथ जुड़ जाए, वो आपके साथ पार्टनर बन जाए तो बात बन जाएगी। मैंने गुजरातियों पर वीडियो बनाया, उन्होंने सब जगह फैला दिया, उसको बोलते हैं कम्युनिटी पार्टनरशिप। फूड लवर जो थे Zomato के, वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और पहले खाली रेटिंग देने आया करते थे, फूड की नॉलेज के लिए आया करते थे, रिव्यू प्लेटफॉर्म था, बाद में
उन्होंने उसको और बड़ा कर दिया और एक्चुअली उसको कमर्शियल बिजनेस भी बना दिया। एप्पल भी बेसिकली कम्युनिटी पे काम करता है, क्या है? जिसको क्लासी और अप मार्केट कम्युनिटी है उन्हीं को माल बेचता है। स्टारबक्स भी एक कम्युनिटी को माल बेचता है, केवल स्टार्टअप ओनर्स को बोलता है आओ बैठो कॉफी पियो, मत पियो लेकिन वाईफाई आपके लिए फ्री है। स्टारबक्स यूथ के लिए काम करता है, आओ बैठो वाईफाई यूज करो कॉफी पियो मत पियो। ऐसे बड़ा बिजनेस भी एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर के लिए काम करता है, हम हर एक के लिए काम नहीं करते। ये प्रोग्राम अगर बिजनेस के लिए सीरियस है तो ये रामबाण साबित होने वाला है। कम्युनिटी के साथ पार्टनर करने में मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, AIOCD, ऑल इंडियन ओरिजिन केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये एक ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन जिसमें 8.5 लाख केमिस्ट जुड़े हुए हैं। ये 729 डिस्ट्रिक्ट 28 राज्यों के अंदर हमारे देश की लगभग, देश ही नहीं दुनिया की लगभग सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है और इसको बोलते हैं कम्युनिटी पार्टनरशिप। के इस कम्युनिटी के आज काफी या अखिल भारत वर्षीय महेश्वरी युवा संगठन का, अखिल भारत वर्षीय महेश्वरी युवा संगठन एक ऐसा संगठन है जो समाज के लोगों को उनकी प्रतिभा को बड़ा मंच प्रदान करता है और जरूरतमंद परिवारों के साथ में खड़ा रहता है। आप लोगों ने भी आकर के हमारे इवेंट को ज्वाइन किया, इसी को बोलते हैं कम्युनिटी पार्टनरशिप। इसलिए केवल उन पे काम करिए, वो कम्युनिटी पे काम करिए जो कम्युनिटी आप में इंटरेस्टेड हो सकती है। देखिए मेरी बात समझिए, शेर का शिकार करने के लिए आप चिड़ियाघर नहीं जाना होता, शेर का शिकार करने के लिए जंगल जाना होता है, आपको जाकर के देखना है। और देखिए कम्युनिटी में आप पूरी कम्युनिटी को उठाएंगे तो वो आपको उठा देगी। इफ यू वॉन्ट टू लिफ्ट योर सेल्फ लिफ्ट समवन एल्स, एवरीवन इज मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर, देन सक्सेस विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो आप कम्युनिटी को साथ लेकर के चलो। अगली स्ट्रेटजी B2B मेडिक सेल्स टेक्निक, जिसका भी B2B बिजनेस है उसको काम आएगी। ये मेडिक क्या होता है? मैट्रिक्स इकोनॉमिक बायर डिसीजन मेकर या डिसीजन क्राइटेरिया और डिसीजन प्रोसेस, ये चार चीजें होती हैं। यानी कि ये भी एक क्वालिफिकेशन प्रोसेस की टेक्निक है, कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज स्टेज में बड़ा काम आता है। अगर आप किसी को माल बेचना चाहते हो चार चीजें चेक करो, अगर किसी कंपनी को माल बेचना चाहते हो, किसी बड़े ब्रांड को माल बेचना चाहते हो चार चीजें चेक करो। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब मेरे इस माल को बेचने पे इस पे कितना इकोनॉमिक इंपैक्ट आएगा, कितने रुपए का फायदा दे सकता हूं मैं इसको, कितने रुपए का मैं इसका घाटा बचा सकता हूं, वो हो गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब नंबर चेक कर लो। दूसरा, इसमें इकोनॉमिक बायर कौन है, ME। इकोनॉमिक बायर का मतलब कि इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन कौन से डिपार्टमेंट के आदमी के पास बजट है इस माल को खरीदने का? परचेज डिपार्टमेंट लेता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लेता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट खरीदता है या सीईओ चेयरमैन खुद खरीदता है? इकोनॉमिक बायर कौन है इसका पता लगाओ उस कंपनी में। अगला है डिसीजन क्राइटेरिया, वो डिसीजन किस बिहाफ पे लेंगे, यानी कि उनका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है, कैसे वो वेंडर अपना चूज करेंगे जिससे उनको माल खरीदना है। और अगला है डिसीजन प्रोसेस, डिसीजन प्रोसेस का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन वेंडर को किस प्रकार से लेने वाली है, कैसे ऑन बोर्ड करेगी। अगर आपने मैट्रिक्स, इकोनॉमिक बायर, डिसीजन क्राइटेरिया, डिसीजन प्रोसेस समझ लिया तो आप उस कंपनी में माल जाकर के बेच के आ सकते हो। बड़ी कंपनी में माल बेचने के लिए कभी कभार आप गलत डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हो, गलत बायर के पास पहुंच जाते हो, उसके बाद डिसीजन मेकर ही नहीं है या आपको पता ही नहीं कि उनके डिसीजन क्राइटेरिया और डिसीजन प्रोसेस है कैसे, तो आपका बड़ी कंपनी में सेल्स नहीं कर पाते। इसको बड़ी कंपनी में सेल्स करने के लिए आपको उनका पेन ढूंढना है और आपको समझना है कि इस कंपनी के अंदर मेरा पार्टनर कौन है, कौन मेरा माल बेचने में मदद करेगा, कौन ऐसा है जो मेरी बात को समझ रहा है, किसको अपना साथी बना करके इस कंपनी में चलना है। जब उसको आपको पेन भी समझ में आ गया और साथी भी मिल गया तो वो आपको मदद करेगा, यानी कि इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर, कंज्यूमर कौन कौन है। नौवां है MLM और डायरेक्ट सेल्स। MLM और डायरेक्ट सेल्स भी अपने आप में एक ऐसा मॉडल है जो कई कंपनीज अपनाती जा रही है, जबरदस्त मॉडल है MLM और डायरेक्ट सेल्स। इसमें ना चार प्रकार के लोग होते हैं, मोटा मोटा समझिए, आइडिया मैन, पीपल मैन, एक्शन मैन, प्रोसेस मैन। एक्शन मैन वो है जो बड़े एक्शन पे काम करता है, डिसीजन मेकिंग उसको तुरंत, राइट नाउ, एम्बिशियस, एस्पिरेशनल, अभी के अभी चाहिए, सब कुछ चाहिए। आइडिया मैन वो होता है जो बड़ा क्रिएटिव होता है, बिग पिक्चर देखता है, नई सोल्यूशन निकालता है, नई क्रिएटिविटी निकालता है, नई बातें सोचता है। पीपल मैन वो है जो रिश्तों पे काम करता है, रिलेशनशिप बना के काम करता है। प्रोसेस मैन वो है जो खाली डेटा, इंफॉर्मेशन, डिटेल, प्रोसेस, सिस्टम ऑर्गेनाइज रहता है। MLM के अंदर एक्शन मैन प्लस आइडिया मैन चल सकता है। अगर आप एक एक्शन मैन है या पीपल मैन है तो भी आप चल सकते हैं, अगर आप एक आइडिया मैन है और पीपल मैन है तो भी चल सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल एक्सेल बनाने वाले, यानी कि आप एक प्रोसेस मैन है, यानी कि आपको लैपटॉप पे बैठ के काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाएंगे। मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग कभी मत ज्वाइन करिए, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुछ इंपॉर्टेंट लेसन दूंगा मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए, रोज चेक करो आपने कितनी कॉल्स करी, नंबर ऑफ कॉल्स मेड, रोज चेक करो आप कितनी मीटिंग्स कर रहे हो, अपना रिव्यू करो, रीपर्चेज कितना करा पा रहे हो, नंबर ऑफ हायरिंग ज्वाइनिंग कितनी करा पा रहे हो, इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशनल प्रोग्राम्स आपका कितना है, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स और मीटिंग्स आपने कितनी ऑर्गेनाइज कराई है। अगर ये 6 स्टेप को रोज इवैल्यूएट
कंप्लीट करोगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। एमएलए में सफलता के लिए मैं आपको 5 लर्निंग दे रहा हूं। एक, आपके अपलाइन के प्रति बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, सेल्समैन मत बनो, बिजनेसमैन बनो। कोई भी आईबीसी है, एमएलएम है, या डायरेक्ट मार्केटिंग है, इंश्योरेंस सेल्स है, डोंट बिहेव लाइक अ सेल्समैन, बिहेव लाइक अ बिजनेसमैन। अपने बिजनेस को पूरे बिजनेस की तरह खड़े करो और लर्निंग पर कंटिन्यूस फोकस, ये तीसरा पॉइंट। चौथा है, प्रोडक्ट के ऊपर खूब कन्विक्शन रखो। पांचवा है, अपना स्कोर बोर्ड बनाओ। एक बात बड़ी सिंपल है, अनाज की खेती करोगे 4 महीने आपको सफलता मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आम की खेती कर दी तो जिंदगी भर आम लगता रहता है। आम ऐसा नहीं है एक बार आएगा, आम तो सालों साल आता रहता है। इसी तरह बिजनेस को ऐसे ही बिल्ड करो। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क पहले है, मार्केटिंग बाद में, यानी कि नेटवर्क बड़ा करो। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क पहले है, मार्केटिंग बाद में, नेटवर्क बड़ा करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया के सारे अमीर लोग अपने नेटवर्क को बिल्ड करते हैं और दुनिया के सारे गरीब लोग केवल नौकरियों में लगे रह जाते हैं। अगला है रिसर्च बिफोर रीचिंग। ये क्या चीज है रिसर्च बिफोर रीचिंग? जाने से पहले खूब रिसर्च करो, उसके बारे में पता लगाओ। प्री कॉल रिसर्च मुश्किल नहीं होती है। हर कस्टमर से मिलने के बाद उसका बेसिक रिसर्च कर लो, उसका ट्विटर देख लो, उसका लिंक्डइन देख लो, उसका फेसबुक देख लो, उसकी वेबसाइट देख लो, उसके ब्लॉग्स देख लो, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लो। ये सब जानने से आपको उसकी नीड असेसमेंट का पता चलेगा, उसके पेन पॉइंट का पता चलेगा। रिसर्च बिफोर रीचिंग, ऐसे मत जाओ मिलने के लिए, अचानक मीटिंग पर नहीं जाते हैं। कंज्यूमर एम्पैथी बोलते हैं, इससे आपको समझ में आएगा कस्टमर को चाहिए क्या है। डिजाइन थिंकिंग, आप डिजाइन बना सकोगे उसके अपने माइंड के अंदर कि एक्चुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको किस 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 जर्नी में कहां 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 क्या तकलीफें आएंगी, उन तकलीफों का डिजाइन क्रिएट करके अपने प्रोडक्ट को प्लान कर सकते हो। देखो, या तो उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, टेक्निकल प्रॉब्लम से आप उसके ऊपर कितना पैसे का नुकसान हो रहा है, फाइनेंशियल इंपैक्ट, और उससे उसकी पर्सनल जिंदगी कितनी खराब हो रही है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट। देखो, पेन बेस्ड सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप मूव की बात करो, वॉलिनी की बात करो, झंडू बाम आयोडेक्स की बात करो। पेन बेस्ड सेलिंग का मतलब है उसके बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में क्या पेन है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। रिसर्च इज टू सी व्हाट एवरीबॉडी एल्स हैज सीन एंड टू थिंक व्हाट नोबडी एल्स हैज थॉट। जो सबको दिख रहा है वो तो आपने देख लिया, लेकिन जो सबने नहीं सोचा वो आपने सोच लिया। सो आप सोल्यूशन को बेचो, प्रोडक्ट को मत बेचो। अगला है साइकोलॉजिकल निंजा टेक्निक, जबरदस्त है साइकोलॉजिकल निंजा टेक्निक। ये वो टेक्निक्स हैं जो साइकोलॉजी पे इंपैक्ट करती हैं, जैसे एंकरिंग इफेक्ट। पहली साइकोलॉजिकल टेक्निक एंकरिंग इफेक्ट क्या है, शुरुआत की जो पहला लाइन है ना वो बहुत स्ट्रांग ओपनिंग होगी ना, तो फिर उस लाइन के रेफरेंस में वो बाकी सारी बातें सुनेगा। जैसे लोग क्या कहते हैं, अरे ये मशीन नहीं बेच रहा हूं आपको मैं, ये ट्रैक्टर की मशीन नहीं है, ये नोट छापने की मशीन है, इतना डीजल बचाती है कि थोड़े दिनों में फ्री हो जाएगी और एक्स्ट्रा कमा के देगी। आपने जो शुरुआत की स्टेटमेंट बोली वो बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, उसके बाद बाकी सारी चीजें वैसे देखेगा। या कंफर्मेशन बायस, कंफर्मेशन बायस क्या होता है, ये भी एक टेक्निक है कि आप वो चीज को ज्यादा एक्सेप्ट करते हो जो आपके बिलीफ से मैच करते हो। सामने वाले के बिलीफ को चेक करो और उसके साथ मैच करते हुए बोलो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बेचने में। ऐसे ही राइमिंग इफेक्ट का भी एक बायस होता है, मिलता जुलता स्टेटमेंट हो ना, है ना, राइमिंग आप मेरे कई वीडियोज में देख चुके होंगे, तो वो सामने वाले को पता नहीं ऐसी सच लगने लग जाता है। लाइफ बॉय है जहां, तंदुरुस्ती है वहां, ऐसे को राइमिंग अगर बात हो ना तो लोग जल्दी उसको याद रखते हैं क्योंकि उसका रिकॉल ज्यादा होता है। एक है पीक एंड रूल, जब मीटिंग खत्म करके उठने लगो तो एकदम पीक पे खत्म करना, इतना एनर्जी के साथ खत्म करना, हाई पॉइंट पे खत्म करना। रीसेंसी बायस रहता है सामने वाले का कि रिसेंटली उसने जो बात सुनी है सबसे अच्छी वो उसको याद रह जाती है। ऐसे ही एक है लॉस एवर्जन, सामने वाले को बताओ प्रोडक्ट खोने का नुकसान क्या है, लोग क्या गेन करेंगे उसको में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लोग क्या खो देंगे अपनी जिंदगी में उसका दुख ज्यादा होता है। सर्वाइवरशिप बायस, ये कई प्रकार के हैं। सर्वाइवरशिप बायस क्या है, आप ये एक ऐसा है कि जैसे ओयो ने इतना पैसा रेज कर लिया सारे स्टार्टअप को लगता है मुझको भी मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। मैं उससे जरा, क्योंकि समय की कमी है, डिकॉय इफेक्ट पे आ रहा हूं। डिकॉय इफेक्ट क्या होता है, ये वो है चॉइस मैनेजमेंट। कस्टमर को जब आपने कोई माल बेचना हो ना तो पहले उसको खराब क्वालिटी की चीज उसको महंगी दिखा दो और अच्छी क्वालिटी की चीज भी महंगी दिखा दो, या कम क्वांटिटी की चीज महंगी दिखा दो और ज्यादा क्वांटिटी की चीज महंगी दिखा दो, तो वो ये अपने आप खरीद लेगा। सिनेमा हॉल में होता है ना, आपको 80 रुपए का छोटा पॉपकॉर्न, 100 रुपए का इतना बड़ा पॉपकॉर्न, आदमी को लगता है सस्ता मिल रहा 100 वाला, ये ले लो। आधा लीटर की बोतल 80 रुपए की, 1 लीटर की बोतल 100 रुपए की, आदमी इसको खरीद लेता है। यानी कि सामने वाले को कंफ्यूज कर दो, एक ऑप्शन इतनी खराब दिखाओ और एक ऑप्शन जो बेचनी है वो दिखाओ, इसको बोलते हैं चॉइस मैनेजमेंट। अगली स्ट्रेटजी है पीपल बाय इमोशनली एंड जस्टिफाई रैशनली। लोग इमोशन से खरीदते हैं और बाद में जस्टिफिकेशन लॉजिक से करते हैं। एक बात याद रखना, दुनिया के सारे डिसीजन पे सबसे बड़ा रीजन लॉजिक नहीं होता है, इमोशन होता है। आपका सेल्स मैसेज, आपका प्रेजेंटेशन हमेशा ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले के इमोशन पे इंपैक्ट करे। ग्रीड, फियर, ह्यूमैनिटी, एनवी,
बेबी, प्राइड, शेम, ये सब बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। सारे के सारे थीम सारे बड़े ब्रांड यही करते हैं। जैसे माउंटेन ड्यू थ्रिल का इमोशन देता है, डर के आगे जीत है। एमसील एक टपकती बूंद आपकी जिंदगी बदल सकती है, उसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, भैया ये निकल गया तो दिक्कत। ऐसे ही मास्टर कार्ड, सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे, ये सब क्या है, बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशंस की कहीं ना कहीं बात करते हैं। पीपल डोंट बाय फॉर लॉजिकल रीजन, दे बाय फॉर इमोशनल रीजन। याद रखिएगा इस पॉइंट को, एक सोल सेटिस्फाइंग इमोशन मिल जाए उसको, उसको दर्जनों लॉजिकल फैक्ट इग्नोर कर देगा, एक सोल सेटिस्फाइंग इमोशनल रीजन मिल जाए सामने वाले को। अगला है असाइन टॉप रिप्रेजेंटेटिव टू हाई वैल्यू टेरिटरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, जिस जगह पे धंधा नहीं चल रहा वहां पे सबसे अच्छे आदमी को भेज देते हैं। जिस मार्केट में, जिस टेरिटरी में, जिस डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जिस रिटेलर के पास, जिस कस्टमर के पास माल नहीं बिक रहा वहां सबसे अच्छे आदमी को भेज देते हैं। बिल्कुल गलत तरीका है। सबसे अच्छे कस्टमर के पास सबसे अच्छा आदमी लगाना चाहिए, क्योंकि फिर वो और नर्चर होकर और ज्यादा बड़ा हो जाता है। जिस टेरिटरी पे आपका माल सबसे अच्छा बिक रहा वहां सबसे ज्यादा आदमी लगाइए। एक बात बताएं, हार्ट का ऑपरेशन करना है वो क्रिटिकल चीज है, उसको रामू काका से नहीं करवाओगे, उसको सबसे अच्छे डॉक्टर से कराओगे। जहां सबसे बड़ी ग्रोथ आती है वहां सबसे इंपॉर्टेंट आदमी लगाना चाहिए, इसी को बोलते हैं परेटो प्रिंसिपल। आपके 20% क्लाइंट आपको 80% रेवेन्यू देते हैं, तो यानी कि उस 20% क्लाइंट पर सबसे अच्छी मैन पावर लगाओ। बहुत लोग गलती कर जाते हैं, जिस मार्केट में धंधा हो ही नहीं रहा वहां सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी लगा दिया, भाई तू निकाल के ला यहां से। ना 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 ना, हल्के आदमी से धीरे धीरे शुरू कराओ, जब वहां ग्रो करे तो और इंटेलिजेंट आदमी लगा दो। जितना ज्यादा क्रिटिकल एरिया है उतनी ज्यादा कैपेबल मैन पावर आपको चाहिए, इसको याद रखिएगा। एनालिटिकल आदमी लगाओ जो रैपो बिल्ड कर सके जाके कस्टमर से। मेरी भी कुछ मार्केट ऐसी है जहां पे मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करता है, मैं वहां और इंटेलिजेंट लोग लगा दिए। नर्चर करते हैं वो जाके क्लाइंट्स को, डिसीजन मेकर को, उसके पास पोटेंशियल परफॉर्मेंस स्किल विल होना चाहिए, तभी उसको कैपेबल मैन पावर माना जाएगा। अगली स्ट्रेटजी, जैब 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 हुक, इसको बोलते हैं गिव क्यू बास्क। क्या मतलब हुआ जैब 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 का? मतलब हुआ एक वो बॉक्सर के ऊपर किताब लिखी थी जिल रोले ने, वो क्या बोले, एक अच्छा बॉक्सर क्या करता है, पहले 3 बारी जैब करेगा, ऐसा जैब 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 करेगा, है ना, ऐसा ऐसा हाथ दिखाएगा और बाद में अचानक ठॉक हुक करेगा, जो कि इससे वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ऐसे ही आपको भी अगर सामने वाले को अगर कुछ माल बेचना है तो पहले उसको दो, गिव गिव गिव, इतना दे दो कि रिलेशनशिप बन जाए, इमोशनल बैंक अकाउंट आपका बिल्ड हो जाए। एक तो फाइनेंशियल बैंक अकाउंट है, एक इमोशंस का, रिश्तों का भी बैंक अकाउंट होता है। कृष्ण भी कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम, कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, जब आप दोगे उससे ज्यादा तो आपको मिलेगा, उससे भी कहीं ज्यादा जो ज्यादा आपने दिया था। यानी कि ज्यादा दो शुरू में, रिलेशनशिप बिल्ड करो, गिव 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 देन आस्क। ऐसे ही हम भी अपने YouTube चैनल पर करते हैं, पहले पूरा वीडियो देते हैं, लास्ट में बोलते हैं भाई सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो। ऐसी से अगर आप कस्टमर की हेल्प करोगे तो आप अपने बिजनेस की हेल्प कर रहे हो, वही तरीका है। सॉल्व अ प्रॉब्लम और अचीव अ गोल, दो में से एक काम कर लो, सामने वाले के तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दो या गोल अचीव करा दो। अगला मॉडल है स्पैंको, पावरफुल तरी स्ट्रेटजी है। स्पैंको बेसिकली ये आइडिया देता है कि आपका कौन सा कस्टमर इस समय कौन सी स्टेज पे है। अलग अलग प्रकार की स्टेज होती है, सस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, अप्रोच, नेगोशिएट, क्लोज और ऑर्डर, ये 6 स्टेजेस होती हैं। ये प्लानिंग में काम आता है आपको। आप अपने सीआरएम में या एक्सेल में हमेशा सेव करके रखिए, एक्सेल का जमाना तो गया, अब तो सीआरएम लोग लगा के रखते हैं, और उसमें सेव करके रखिए कि सस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट का मतलब है, सस्पेक्ट मतलब है इतने सारे लोगों की लिस्ट बनाओ, प्रोस्पेक्ट का मतलब इतने लोगों से आप मिलने गए, अप्रोच का मतलब उनसे मीटिंग हो गया, नेगोशिएट का मतलब है नेगोशिएशन चल रही है। तो कुछ कस्टमर आपके अप्रोच की स्टेज पे होंगे, वो नेगोशिएशन और प्रपोजल की बात नहीं कर रहे, कुछ नेगोशिएशन की स्टेज पे है, माल नहीं खरीद रहे, कुछ क्लोज तो कर दिया, हाँ जी दे दूंगा लेकिन फाइनल ऑर्डर नहीं दे रहे, और कुछ ऐसे हैं कि जी आप उनसे मिलने गए लेकिन वो मीटिंग ही नहीं दे रहे आपको। तो हर एक का अलग अलग आप बकेट कर दो, पूरी सेल्स फनल को बकेट कर दो। ये आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाने में मदद करेगा कि प्रोस्पेक्ट वालों से मैं इस तरह बात करूंगा, अप्रोच वालों से मैं इस तरह बात करूंगा, जिससे मैं नेगोशिएशन कर रहा हूं उनको मैं ये भेजूंगा, जो क्लोजिंग पे आ गया उनके साथ ये करूंगा, जिसने ऑर्डर दे दिया उनसे रेफरेंस मांग लूंगा, और रेफरेंस दो भैया तुमने खरीदा तुमको फायदा हुआ अब मैं दूसरों को भेजू। 16वीं स्ट्रेटजी, रिन्यू ओल्ड रिलेशनशिप। एक बात याद रखिएगा, पुराने कस्टमर के साथ धंधा करना 7 गुना सस्ता पड़ता है, नए कस्टमर के साथ धंधा करना 7 गुना महंगा पड़ता है। पुराने रिलेशनशिप को रिवाइव करो, ये बहुत इजी है, उन्हीं के साथ बिजनेस करना, उनके साथ कम्युनिकेशंस वापस बिल्ड करो, उनसे रेफरेंस मांगो, उनसे रिटन रेफरेंसेस लो, उनकी लाइफ में कुछ और नई वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करो, पुराने डेटा को नया जीवन दो। आपका जो बिल्कुल बेकार लीड है उसको चलो छोड़ दो, मैं नहीं बोल रहा कि बिल्कुल बेकार लीड को पकड़ो, जो सेल्स क्वालिफाइड लीड नहीं है उसको तो हटा ही दो, लेकिन सेल्स पर्सन को जाकर के पहले पता करना चाहिए इसने छोड़ा क्यों था मेरे कस्टमर ने, ये कस्टमर क्यों रिपीट नहीं आया था, वो जानू, ये देखो कि ये पहले इसके कौन कौन इसके टच में था, इस कस्टमर के इसकी हिस्ट्री क्या है, इस कस्टमर की हमारे साथ में, उसके बारे में जानकारी लेकर के उससे फिर से बात करो। पुराना कस्टमर एक बार वापस आएगा तो बात आपकी बनेगी। याद रखिएगा, अगर पुराने कस्टमर को सीधा ही फोन करके माल बेचने की कोशिश करोगे तो फिर तो इट्स अ ह्यूज टर्न ऑफ,
फिर तो स्विच ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल बात नहीं करेगा। कॉन्वर्जेशन को रोलिंग करो, उनसे रिलेशनशिप बनाओ। ओल्ड लीड्स के साथ में अगर आपने सेल शुरू कर दी तो कमाल कर दोगे आप। उनसे पूछ भी सकते हो कि भी आप आजकल हमसे क्यों डील नहीं कर रहे, क्या चल रहा है, पुराना एक्सपीरियंस कैसे रहा था। उसके साथ ऑप्ट इन पॉपअप भी ले सकते हो कि भाई एक काम करो, हम आपको आजकल व्हाट्सएप मैसेजेस या ईमेल आप चाहते हो कि हम आपको भेजते रहें, रिलेशनशिप वापस रिवाइव होगा। अगला है आउटरीच योर पोटेंशियल कस्टमर। अमेजिंग भैया, इसको बोलते हैं लिस्ट बनाओ कैंपेन, यानी कि प्रोस्पेक्ट की लिस्ट जरूर बनाया करो। बहुत बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि अपनी लिस्ट को बड़ा नहीं करते, प्रोस्पेक्ट को बड़ा नहीं करते। मेकिंग एज मेनी कॉन्टैक्ट एज पॉसिबल इज द प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी ऑफ हाउ टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। बात सरल है, लीड इकट्ठी करो, ज्यादा से ज्यादा लीड लेकर के आओ, डायरेक्टरी से बनाओ, मेल ऑप्ट इन लिस्ट से लो, कोई नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से लो। यू आर आउट ऑफ बिजनेस इफ यू डोंट हैव अ प्रोस्पेक्ट। लीड बनाओ कैंपेन, लिस्ट बनाओ कैंपेन, लीड बढ़ाओ कैंपेन, लिस्ट बनाओ कैंपेन, के कस्टमर बनाओ भाई। माल बेचने की कोशिश मत करो, बड़ी अच्छी लीड जनरेट करो। लीड जनरेशन इज द फाउंडेशन फॉर क्यूमुलेटिव कन्वर्जन। अगली स्ट्रेटजी, फॉलो अप का भूत। जैसे भूत चिपक जाता किसी को, मेहंदीपुर बालाजी हनुमान मंदिर गए हो, वहां प्रेतराज सरकार देखे, लोग ऐसे हिलते रहते हैं गोल 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 गोल, भूत चिपक जाता लोगों, सुना है अपने बात। ऐसे ही फॉलो अप का भूत चिपका लो, ऐसा भूत चिपका लो, एक नियम बना लो, इतने फॉलो अप करूंगा मैं। अगर आपको सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना है, थॉटफुल होना पड़ेगा आपको कि कैसे आप फॉलो अप ज्यादा करो। जितना फॉलो अप का इंफॉर्मेशन इमीडिएट करोगे मीटिंग के बाद, उतनी बात बढ़ेगी आपको। ये मोस्ट क्रूशियल है, इसको भूलना नहीं है आपको, फॉलो अप का भूत। एजेंट्स हु डोंट फॉलो अप विद देयर कस्टमर्स आर लीविंग लॉट ऑफ मनी ऑन टेबल। ये समझ लो आप, अगर आपने फॉलो अप नहीं किए तो आप वहीं टेबल पे पैसे पड़े थे, आप छोड़ के आ गए। बात बड़ी सरल है कि कस्टमर उसी के साथ रुकता है जो हमेशा अवेलेबल रहता है। अवेलेबल रहो अपने कस्टमर के साथ। जितना फॉलो अप, बेसिकली कस्टमर सर्विस की तरह है। टाइमली फॉलो अप का मतलब है टाइमली कन्वर्जन। इसलिए फॉलो अप का भूत चढ़ा दो अपने सर पे। मैंने भी देखा लाइफ में, जितने अच्छे स्ट्रॉन्ग फॉलो अप करते हैं उतना ज्यादा बात चलता है। थैंक यू ईमेल भेजो, बर्थडे एनिवर्सरी भेजो, कांग्रेचुलेशन भेजो, कॉन्डोलेंस, उसको वैल्यू क्रिएट करो हर फॉलो अप के अंदर। उससे पूछ भी लो कि भाई कैसे चाहते हो आपके साथ कैसे फॉलो अप करूं, इससे एक मीटिंग में और एफिशिएंसी आएगी। नो मैटर आपकी मीटिंग कितनी अच्छी रही हो, पर अगर आपने वहां पे क्लियर एक्शन प्लान नहीं बनाया, भाई मैं अगला स्टेप क्या है वो नहीं पूछा, तो आपका फॉलो अप बेकार है। आपका जो सेल्स क्वालिफाइड लीड है ना, याद रखिए पहले 24 घंटे तक उसमें पहुंच जाना चाहिए। सबसे बड़ी गलती लोग पता क्या करते हैं, एक कस्टमर के साथ बातचीत हो और क्या गए, कस्टमर एकदम हॉट है, अब उसके बाद फॉलो अप नहीं किया और कस्टमर को माल चाहिए था, अब कस्टमर ने कंपटीशन को ढूंढना शुरू कर दिया, उसने मार्केट में चेक करने शुरू कर दिया, आपकी रेटिंग रिव्यूज चेक करने शुरू कर दी, मार्केट में वीडियोस देखने शुरू कर दिए, उसने दूसरों से भी बात करने शुरू कर दी। भैया बात सिंपल है, तब तक फॉलो अप करो जब तक कोई डेफिनेट आंसर ना मिल जाए, यस और नो ना हो जाए, उसको छोड़ो मत जब तक कंप्लीट यस और नो ना हो जाए। फॉलो अप करते रहो। नॉट फॉलोइंग अप विद योर प्रोस्पेक्ट इज सेम लाइक बाथटब है, बाथटब में आप पानी भरते जाओ, नीचे का ढक्कन खुला हुआ है, यानी कि नए कस्टमर से मिलते जा रहे हो और फॉलो अप नहीं कर रहे, सबका सब धंधा चला गया। कहते हैं आइदर यू फॉलो अप और यू फोल्ड अप। अगला है बैकवर्ड क्लोज अप्रोच। बैकवर्ड क्लोज अप्रोच का मतलब क्या, जाते ही माल ना बेचे, बैठ के थोड़ा बातचीत करें उनसे। सीधा आप माल बेचने की जगह कुछ ऐसे बात करें, आपको क्या लगता है इस तरह का वैल्यूएबल प्रोडक्ट मार्केट में कौन कौन लेंगे, थोड़ा उनसे सीधा रेफरेंस की तरह बात करें, बैक से चालू करें, फ्रंट से नहीं। ये लोग भी खरीद रहे हैं, इन्होंने तो बहुत खरीद लिया यार, इसने बहुत खरीद लिया यार, आपको क्या लगता है आपके सर्कल में किस किस को काम आएगा। बैकवर्ड अप्रोच, रेफरेंस। एक बात बताऊं, लोग रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस को हम बोलते हैं रेफरेंस से रफ्तार। कभी भी किसी को माल बेचना है, रेफरेंस जरूर मांग लेना, भाई सबसे आसान तरीका एंट्री मारने का। बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, रेफरेंस नहीं मांगते, नहीं मांगते, नहीं मांगते, बोल रहा हूं नहीं मांगते। अगर आप सामने वाले को आपका प्रोडक्ट या सोल्यूशन पसंद है वो रेफरेंस देगा, रेफरेंस देना फेवर नहीं है, वो खुद उनको लगता है यार ये मुझको स्पेशल ट्रीटमेंट देगा अगर मैं इसको रेफरेंस दे दूंगा, और आप उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे, वो स्पेशल ट्रीटमेंट के चलते वो आपको रेफरेंसेस देगा। आप उसको किसी प्रकार का इंसेंटिव भी दे दो, इंसेंटिव मतलब कैश नहीं, कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट दे दो, कुछ एक्स्ट्रा आइसक्रीम खिलाओ, बात समझ रहे हैं, आइसक्रीम का मतलब आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में से कुछ एक्स्ट्रा दे दो। रेफरेंस से सबसे आसानी से सबसे बढ़िया पावरफुल मीटिंग मिलती है, सारी बातें एक तरफ, लोग उसी के साथ बिजनेस करते हैं जिस पे वो विश्वास करते हैं, रेफरेंस से विश्वास बढ़ता है। डू व्हाट यू डू सो वेल, इतने बढ़िया से करो कि वो अपने सारे दोस्तों को भी ले आए आपके पास में। रेफरेंस से रफ्तार बहुत बढ़ती है। अगर आज मन चुराओगे तो आगे जाके जीवन में बहुत पछताओगे। एक बार बोलूं, इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, मेरे साथ लगे रहिए। दूसरी स्ट्रैटेजी सारी डिजिटल की ले रहा हूं, ब्रिक एंड मोर्टर टू ऑनलाइन।
ये डिजिटल स्ट्रेटजीज है, अपने ब्रिक एंड मोर्टर, अपने बिल्डिंग मकान दुकान वाले बिजनेस को ऑनलाइन भी साथ साथ शिफ्ट करो। अपने कस्टमर्स को आप ऑर्डर ले सकते हो उनसे ऑनलाइन, बड़ा मुश्किल नहीं है, अब जमाना बदल चुका है, पॉसिबिलिटी एंडलेस हो चुकी है। लोग अपने घरों से कैंडल, हैंडबैग, पेपर बैग, ज्वेलरी, साबुन क्या क्या ऑनलाइन बेच रहे हैं। ऑनलाइन है वेबसाइट बनाना या उसका सेटिंग अप कॉस्ट ज्यादा है ही नहीं है, बहुत लो सेटअप कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा नहीं है, फास्टर रीच है। अब ऑनलाइन जाने की तैयारी करो, 24/7 आपकी मार्केट चली रहती है। यहां तो आप दुकान सुबह 9 से रात 9 खोलते हो, लेकिन वहां पे आपकी दुकान 24 घंटे खुली रहती है ऑनलाइन में, रात को भी माल बिक रहा होता है, आप सो रहे हैं तो भी आप कमा रहे हैं। और इसमें क्विक पेमेंट का मॉडल तो बड़ा अच्छा है ही है, बायर के आप इंटरेस्ट को भी समझ जाते हो, बार को खरीदना क्या है, जो भी आप माल बनाते हो उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार है पहले से, चाहे अलीबाबा जाओ, बिग बास्केट, सेल बाई, क्राफ्ट विला, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, लाइम रोड, होम शॉप, पेटीएम शॉप, क्लूज, ई बे, स्नैपडील, ये भी, पेटीएम मॉल, नापतोल, मी, मिंत्रा। इतना तेज बोलता हूं मैं, मिलेंगे नहीं लोग आपको इतना तेज बोलने वाले। अगली स्ट्रेटजी है 21वीं, सोशल मीडिया इज नो मोर सोशल, इट इज कमर्शियल। सोशल मीडिया अब सोशल नहीं रह गया, कमर्शियल हो गया है। लिंक्डइन की पोस्ट मनु जैन शाओमी की, उनकी इतनी तेज क्यों ग्रो करती है, क्योंकि वो लोगों के साथ में पर्सनल इंटरेक्शन की तरह बिहेव करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे पर्सनल इंटरेक्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया से पैसा कमाना, यहीं से उन्होंने ग्रोथ करी थी शाओमी ने, और सोशल मीडिया से आगे चल के आज कहां पहुंच गए। बाबा रामदेव के वीडियोस वायरल क्यों होते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, इफ द डॉग डजंट लाइक योर डॉग फूड, तो नो मैटर हाउ गुड द फूड इज, इट इज वेस्ट। बात बड़ी